अगर आप इस ज्वेलरी को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपकी स्किन आपको दो हफ्ते में बहुत बहुत शुक्रिया बनने वाली है एंड यू गोइंग टू बी सो हैप्पी बिकॉज आपके चेहरे में वो धाक धब्बे या पिगमेंटेशन या एक्नी स्कार्स या डिस्कलेशन वो कंप्लीटली चला जाएगा एंड यू गोइंग टू हैव है स्किन फॉर योरसेल्फ जी हाँ वेलकम बैक टू माय चैनल आप देख रहे हैं ब्यूटी हेल्थ स्टाइल और मैं हूं साधना तो गाइज एडिटल अपडेट मैं आ गई हूं वापस जापान में और आप देख सकते हैं बैकग्राउंड पीछे का सेम ही है तो अब वीडियोस रेगुलरली आएंगे मेरे चैनल पे और मैंने इतना वीडियोस नहीं पोस्ट किया था क्योंकि मैं बहुत ही बिजी थी और बिल्कुल टाइम नहीं मिला था टू तो कोई भी वीडियोस को शूट करने के लिए या एडिटिंग करने के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ तो आप रेगुलर वीडियोज आएंगे मेरे चैनल पे तो गाइज ये था मेरा अपडेट तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ डार्क स्पॉट्स पिगमेंटेशन के ऊपर रेमेडी चाहे आपके पूरे चेहरे में डार्क पैचेस हो या डार्क स्पॉट्स हो एक्नी या पिंपल्स की वजह से हो या सन की वजह से भी हमारे स्किन पर पिगमेंटेशन होता है ये रेमेडी इतना ज्यादा अच्छा है हमारे स्किन में जो भी परेशानी है ना तो उसको दूर करता है तो आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए तो इस वीडियो को पूरा देखना एंड एंड तक जरूर देखना अगर आपको वीडियो पसंद आया है बाद में लाइक जरूर करना एंड अगर आप नए हो पहली बार आए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और छोटा सा आइकॉन बेल है तो उसको भी प्रेस करना तो जब भी मैं नई वीडियो पोस्ट करूंगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को हमारे किचन में एक ऐसी चीज है वो इतना फायदेमंद है हमारे लिए और वो क्या है वो है प्याज जो प्याज का रस है ना हमारे बालों की ग्रोथ के लिए इतना ज्यादा अच्छा होता है आप सब जानते हैं लेकिन उतना ज्यादा हमारे स्किन के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है ये बहुत ही सुप है आपकी स्किन के लिए जी हाँ ये इतना ज्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट्स है आपके स्किन में जो भी परेशानी है ना तो उसको दूर करता है अगर आप इसको रेगुलरली यूज करेंगे ना तो आप खुद देखेंगे क्या बढ़िया रिजल्ट्स आपको मिलेंगे जी हाँ जो लाल प्याज होता है ना इसमें में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है इसलिए हमारे यूवी रे से प्रोटेक्ट करती है साथ ही इसमें होता है विटामिन सी जो कि हमारे स्किन पर किसी भी तरह का डार्क पैचेस डिस्केशन सन टैन की प्रॉब्लम को भी दूर करता है तो प्याज का रस बहुत ज्यादा अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए और इसके एंटी बैक्टीरियल एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज स्किन के धाब दबे को कम करने में मदद करता है इट ट्रीट योर स्किन योर योर स्किन स्किन एंड फेड्स अवे एक्नी एंड प्रोटेक्ट्स योर स्किन फ्रॉम सन डैमेज जो प्याज का रस है ना इसकी स्मेल जरूर बौदा करेगी अगर आप इसकी स्मेल साइड में रखेंगे और इसको रेगुलरली यूज करेंगे ना तो योर गिजर्स तो फॉर योर सेल्फ और आप देखेंगे आपका स्किन बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा एंड जो भी परेशानी है ना आपकी स्किन में वो बिल्कुल दूर हो जाएगा तो चलो देखते हैं प्याज आपके पिगमेंटेशन के लिए आपके स्किन को ब्राइटन करने के लिए कैसे यूज करना है तो चलो देखते हैं सबसे पहले आपको लेना है लाल कल का प्याज यानी रेड ऑनियन और उसको आपको कदुकस कर लेना है और आपको इसका जूस एक्सट्रैक्ट करना है अब ऑनियन जूस को आपको कैसे यूज करना है हमें प्रिपेयर करना है एक फेस पैक तो उसके लिए आपको चाहिए नेचुरल दही यानी नेचुरल योगर्ट अब हम एक बोल में दो टेबलस्पून स्पून नेचुरल दही डालेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे दो टेबलस्पून स्पून ऑनियन जूस और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे जो प्याज का रस है ये हमारे स्किन को डिटॉक्स करता है ये एंटीसेप्टिक होता है एंटीबैक्टीरियल होता है जब हम स्किन में अप्लाई करते हैं तो ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और डिटॉक्स को रिमूव करता है तो ये हमारा पैक ज़ेरी हो गया है अब हम इसका एप्लीकेशन करेंगे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं कॉटन से या फेस मास्क ब्रश से और आप कोई भी एसेंशियल ऑयल आप इसमें ऐड कर सकते हैं लेवेंडर या रोजमेरी और पूरे चेहरे में आपको अच्छे से लगाना है और इस पैक को आपको बीस मिनट रखना है दही इतना कूलिंग है एंड ये आपके स्किन को लाइटन और ब्राइटन करता है एंड जो ऑनियन जूस है ये बहुत ही अच्छा है हमारे स्किन के लिए हमारे स्किन को यूथफुल यंगर और ग्लोइंग बनाता है एंड ये आपके पिगमेंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है अगर आप इस फेस मास्क को रोज़ लगाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे पिगमेंटेशन प्रॉब्लम रिड्यूस होगा डार्क स्पॉट्स फेड हो जाएंगे एंड आपका कॉम्प्लेक्शन को भी इम्प्रूव करेगा अगर आपको लगता है कि आपके आइज बहुत ही सेंसिटिव है ऑनियन स्मेल से तो आप अपनी आँखों को बंद कर सकते हैं 20 मिनट के लिए आपको ये फेस पैक को रखना है फिर नॉर्मल पानी के साथ आपको वॉश आउट करना है आप कॉटन पैड से भी लगा सकते हैं एंड अगर आप रोज़ इस ओनियन जूस को डेली लगाएंगे एक हफ्ते के लिए आप देखेंगे क्या बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेंगे एंड आपका स्किन लाइटर हो जाएगा ब्राइटर हो जाएगा एंड इट विल इम्प्रूव योर कॉम्प्लेक्शन एंड जो भी परेशानी है ना आपके स्किन में वो बिल्कुल दूर हो जाएगा एंड योर गन यू हैव फ्लॉवर स्किन फॉर योर सेल्फ आप फेस को वॉश करना है और आप देख सकते हैं क्या इंस्टेंट ग्लो देता है ये ऑनियन जूस और ऑनियन जूस आपको लगाना है अपने चेहरे में और साथ ही साथ ऑनियंस को भी खाना है और ये बहुत ही अच्छा है हमारे सेहत के लिए और हमारे स्किन के लिए तो इसको रेगुलरली आपको लगाना है और आप बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखेंगे तो आपने देखा बहुत ही आसान तरीका आप अपने स्किन को यूथफुल यंगर और ग्लोइंग बना सकते हैं सिर्फ प्याज का रस आपको चाहिए और दही और दोनों को मिक्स करना है और इस फेस पैक को रेगुलरली आपको लगाना है अगर आप जोज लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा है अगर आप जोज नहीं लगा सकते हैं हफ्ते में तीन बार आपको जरूर लगाना है अगर आपको पिगमेंटेशन है ढाक दबे है डिस्कलेशन है गमेंटेशन है अगर आपके चेहरे में रिंकल्स है, है तो बिल्कुल दूर हो जाएगा एंड आपका कॉम्पलेक्शन को भी इम्प्रूव करेगा एंड आपका ग्लोइंग एंड यू विल है फ्लॉवेस स्किन फॉर योर सेल्फ तो आपको रेगुलरली इसको जरूर फॉलो करना है जब आप ऐसे करेंगे कंटिन्यूसली एक महीने के लिए एंड यू हैव टू है फेत जब आप फेथ रखते हैं और रेगुलरली इस रेमिडी को करेंगे ना तो आप खुद देखेंगे क्या बढ़िया विजल आपको मिलेंगे और मैं तो हफ्ते में तीन बार जरूर यूज करती हूँ और आप देख सकते हैं क्या बढ़िया ग्लो देता है आपके स्किन को कैन सी द कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूविंग एप्सुलटली यू विल सी द डिफरेंस इन विद इन फिफ्टीन डेज आप खुद देखेंगे डिफरेंस और मैं तो बहुत ही खुश हूं इस रेमेडी से तो आप भी बहुत ही खुश होने वाले हैं तो आप इसको जरूर यूज कीजिए और इसका फायदे उठाइए और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फायदे तो बनता है के बिना बिल्कुल नहीं जाना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो प्लीज सब्सक्राइबल तो जल्दी मिलती हूँ नए नए टॉपिक के साथ बी ऑल